झमाझम बारिश में आज हम बनाने वाले सबकी पसंद बच्चे से लेके बड़ों तक। तो यहाँ पर हमने बनाया प्याज ब्रेड पकोड़ा। रिजल्ट देख रहे हो, ऑयल थोड़ा भी पिया नहीं। हाँ दोस्तों, जब हम ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं तो ब्रेड पकोड़े की जो ऊपर की जो लेयर होती है बहुत ही सिंपल सी होती है। यहाँ पे एक मैंने थोड़ा नया स्वाद दिया और नई ट्रिक्स दिए। मैं उम्मीद करूँ ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। मैंने यहाँ पे तोड़ के भी बता दिए, देख सकते हो थोड़ा भी इसने ऑयल पिया नहीं, कुछ भी नहीं, और देखते ही आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी रेसिपी आखिरी तक देखनी है और कैसी लगी दोस्तों सही में हमें कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पे आप हमारे नए होंगे तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं तो पहले हमें घोल बना लेना है। तो यहाँ पर हमने लेना है 1 कप जितना बेसन का आटा। तो आटे को हमें अच्छी तरह से छान कर लेना है। यहाँ पे मैंने छन्नी ले ली और बाउल भी लिया है। अब यहाँ पे आटा हमें डाल देना है और अच्छी तरह से छान कर लेना है। बेसन का आटा छानने से क्या होता है, थोड़ी भी गुठली होती नहीं और हमारा जो टाइम है बच भी जाता है, अच्छी तरह से घोल बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे छान लेते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करना है और आखिरी तक रेसिपी देखनी है। यहाँ पे आटे को हमने अच्छी तरह से छान लिया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे डाल के 1/4 चम्मच से थोड़ा कम यहाँ पे हींग डालना है। हींग के साथ जाएगा 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, जो सूखी वाली मिर्च होती है ना उसे हमने दरदरा पीस लेना है। इस तरह इसका जो स्वाद होता है कोटिंग के ऊपर लगता है ना ब्रेड के, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच जितना हमने डाल देना है। इसी के साथ हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डाले, फ्लेवर अच्छा आता है। हाँ दोस्तों, एक बार ये पकौड़ा बनाओगे ना, ब्रेड पकौड़ा, तो खाते ही रह जाओगे, गारंटी के साथ हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसी के साथ ही हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी कलर के लिए। अब यहाँ पे लेना है 1 बड़ा प्याज लच्छा कटा हुआ। अभी यहाँ पे जो ब्रेड पकौड़ा बना है तो नॉर्मल बनाया जाता है, पर यहाँ पे एक मैं नया स्वाद देने वाली हूँ ब्रेड पकौड़े के लिए। मैं उम्मीद करूंगी कि ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप घर पे बनाओगे और इसका स्वाद दोगे और हमें कमेंट करके बताना सही में कैसे बना। तो यहाँ पे छोटा वाला प्याज होगा तो 2 लेना है, बड़ा होगा तो 1 ले। तो इसे हमने अच्छे लच्छे से जैसे कट कर लिया था बड़ा वाला प्याज सर, इसलिए इसे अच्छी तरह से हाथों से खिलखिला कर लेना है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने प्याज को खिलखिला कर लिया। अब यहाँ पे डाल जाएगा हल्का सा धनिया। अब इसे भी अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अच्छी तरह से हमारे प्याज के जो लच्छे खिलखिले बन जाए, थोड़ा भी ये नहीं होए, देख सकते हो इस तरीके से। हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब इसे हमने अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जाएगा एक सीक्रेट तरीका। जब हम लोग पकौड़े बनाते हैं ब्रेड पकौड़े, उनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है कितनी क्रिस्पी होती है और करारी होती है, तो यहाँ पे हमने लेना है 2 चम्मच चावल का आटा। ये सीक्रेट तरीका होता है दोस्तों। चावल का आटा डालने से ऊपर की जो परत होती है बहुत ही क्रिस्पी बनती है और ऑयल भी पीता नहीं। तो 2 चम्मच जितना हमने डाल देना है। यदि चावल का आटा ना हो तो घर में जो चावल पड़े होते ना, तो उसे मिक्सर के जार में पीस लेना और छन्नी से छान लेना है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें हाथों से। अब यहाँ पर अच्छी तरह से हमने हाथों से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और हल्का सा बैटर तैयार करना है। ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा रखना है। थोड़ा थोड़ा करके बैटर बना लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया बैटर, हमें इस तरीके से हल्का गाढ़ा चाहिए, देख सकते हो, ज्यादा पतला नहीं चाहिए, हल्का गाढ़ा सा चाहिए, इस तरीके से, परफेक्ट। अब इसे हमें 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं सेट होने के लिए, तब तक हम आलू की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं। पैन के अंदर हमने 1 चम्मच ऑयल डालना है, छोटा वाला चम्मच यूज करना है, बड़ा वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। कम ऑयल चाहिए, ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए। ऑयल को हमें गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह से। ऑयल गर्म हो चुका है, 1/2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे सरसों के दाने। इसे अच्छी तरह से हमें तड़तड़ कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हो सरसों के दाने हमारे अच्छी तरह से तड़तड़ हो रहे हैं। यहाँ पे कच्चापन नहीं चाहिए, कच्चा होगा तो भी कड़वा लगेगा। 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं। गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी कर लेनी है। 2 हरी मिर्च और 1/2 अदरक का टुकड़ा और 3 लहसुन की कलियां हमने अच्छी तरह से कूट लिया है दरदरा। तो इसी के साथ डाल के मीठे कड़ी पत्ते 10 या 12, इसे भी धीमी आंच पे चला लेते हैं। अब यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से चल गया है। अब यहाँ पे 3 आलू लेने उबले हुए, इसे हमने हाथों से क्रश करके रखा है। ज्यादा भी आलू को हमें मैश नहीं करना है, इस बात का आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच जितना धना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। अब यहाँ पे जाएगा स्वाद अनुसार नमक और लास्ट में डालेंगे कटा हुआ ढेर सारा धनिया और धीमी आग पे इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। हाँ दोस्तों, इसमें जो मसाले होते हैं बहुत कम होते हैं, ज्यादा मसाले नहीं होते इसका। यदि आप इसमें ज्यादा तीखा खाना पसंद करते होगे तो इसके बजाय थोड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। कलर के लिए यहाँ पे मैं ग्रीन बना रही हूँ, कि हरी मिर्च का मैंने ज्यादा यूज किया है, क्योंकि जो टेस्ट होती है इसकी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं।
है भाई अच्छी तरह से हमने मसाला मिक्स कर लिया, देख सकते हो आलू के साथ परफेक्ट। हाँ तो सभी आप इसमें ज्यादा प्याज खाना पसंद करो इसमें प्याज भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसन का आटा का जो घोल बना उसके अंदर मैंने प्याज डाला, इसलिए यहाँ पे हमने प्याज नहीं डालना। परफेक्ट, अब इसे हमें ठंडा होने को रख देना, गैस बंद कर देते हैं, बाउल में निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने 6 ब्रेड लिया है आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमारी जो सब्जी हमने बना के रखी थी आलू की स्टफिंग की वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। गरम गरम नहीं स्टफिंग करना, यदि गरम गरम करोगे तो हमारा जो ब्रेड नरम हो जाएगा, जैसे जैसे वैसे आगे से ठंडा होने के बाद हमें करना है। अभी ठंडा हो चुका है, अभी यहाँ पे एक ब्रेड ले लेती हूँ, एक साइड कर लेती हूँ। अभी जो स्टफिंग हमने लेनी है इसके ऊपर हमें रख लेना है, ऐसे दबा लेना है स्टफिंग को, पूरी तरीके से हमने ब्रेड पे फैला देना है। हाँ दोस्तों आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगती तो कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल पे हमारे नए हो गए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे अच्छी तरह से हमने स्टफिंग भर लिया, थोड़ा ज्यादा ही भरना है, कम ना भरे नहीं तो क्या होगा, फिर आलू की जो सब्जी हमने बनाई थी वो कम लगेगी खाने में, थोड़ा अच्छा लगता है, ज्यादा स्टफिंग होता है ना मजा आता है। जैसे गाड़ी पे खाते हो तो कैसे बनता है वैसे ही हमने इसे बनाया, बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ। अब यहाँ पे ब्रेड लेना है, इसके ऊपर और एक ब्रेड रख लेना है, इसको ऐसे दबा देना है, देख सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे चक्कू ले लेना है, और चक्कू के सहायता से अभी आपको ये जो किनारे नहीं खाना पसंद करते हो तो निकाल सकते हो, और खाना पसंद करते हो गए तो रख सकते हो। मैं यहाँ पे खाना पसंद करती हूँ इसलिए मैं यहाँ पे नहीं निकाल रही, इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। अभी इसे अच्छी तरह से दबा लेना है हाथों से, यानी अच्छी तरह से चिपक जाएगा आलू के साथ ब्रेड। और अभी चप्पू ले लेते, चप्पू के सहायता से इसे बीच में से हमें इसे कट कर लेना है, हाथों को ऐसे रख लेना है और इसे इसे कट कर लेना है, देख सकते हो परफेक्ट। और इस तरीके से सारे ब्रेड हम इसे बना लेते सेम टू सेम। जो हमारा जो बेसन का घोल हमने बना के रखा था वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है आप देख सकते हो। अब यहाँ पे डाल गया आधा चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग सोडा, इससे करारापन भी अच्छा आएगा और हमारा जो पकौड़ा फुला फुला भी बनेगा। अब इसे हाथों से एक ही डायरेक्शन में चला लेते हैं, जब तक चलाना जब तक हमारा जो बैटर हल्का फुल्का हो जाए। हाँ जो जैसे ही मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, एक जगह ऑयल गर्म करने को भी रख लेना है, ऐसे नहीं कर डाल देने के बाद गर्म करना है, तुरंत यहाँ पे गर्म करना है फिर हमें पकौड़े बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में 2 मिनट चला लेती हूँ क्योंकि बैटर एकदम हल्का बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 2 मिनट मैंने चला लिया, आप देख सकते हो बैटर हमारा कितना हल्का हो चुका है, एकदम परफेक्ट। पहले कितना गाढ़ा था अभी एकदम हल्का सा पतला हो चुका है, इस तरीके से बैटर चाहिए। ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ज्यादा पतला हो गया फिर हमारा जो ब्रेड पकौड़ा परफेक्ट बनेगा नहीं, तो आप बोलोगे हमने बताया नहीं। अब हम लोग ब्रेड ले लेते हैं, अब यहाँ पे ब्रेड ले लेते हैं और ब्रेड को इसमें बैटर में घोल में डाल देते हैं, और इसके ऊपर हमें इसे लगा लेना है, ये थोड़ा गाढ़ा है ना बैटर इसलिए हाथों से लगा लेना है, अच्छी तरह से फैला देना है। अब इसे ऑयल में हम लोग फ्राई कर लेते हैं, यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा हमें इसमें डाल देना है, आप देख सकते हो एकदम गर्मा गर्म ऑयल, जो ठंडा ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस बात का अपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे मेरी जो कड़ाई ना छोटी है ना इसलिए मैं यहाँ पे एक एक पकौड़ा में डाल रही हूँ, यदि आपकी कड़ाई बड़ी होगी तो आपने 2 भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से डालना है हमें, और गैस की फ्लेम थोड़ी फास्ट ही रखनी, धीमे आंच पे इसे फ्राई ना करें। अभी यहाँ पे 2 चम्मच के साथ हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। वाव, जैसे मैंने ऑयल में डाला है कितना फुला फुला बन गया आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा एक नया ट्विस्ट मैंने दिया है प्याज का, ऊपर की जो कोटिंग होगी प्याज की होगी, जब खाओगे तो आपको खुद को यार कितना बढ़िया है, ऐसे तो प्याज की कोटिंग डाली नहीं जाती, पर यहाँ पे मैंने थोड़ा एक नया ट्विस्ट दिया है, मैं उम्मीद करी टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसे उलट पुलट करते जाएगा और गोल्डन फ्राई कर लेना है, और ऐसे ऐसे दबाएंगे भी थोड़ा, यानी अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही अंदर से कच्चा हो जाएगा फिर मजा आएगी नहीं, तो इसे दबाते जाना है। कढ़ाई छोटी है ना इसलिए, तो आपके यहाँ पे बड़ी कढ़ाई हो तो बड़ी कढ़ाई में करना है, ऑयल थोड़ा ज्यादा लेना है। अभी इसे अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पकौड़ा बनकर तैयार हो गया, एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है, एकदम गोल्डन, इस तरीके से हमने दबाया है। और मैं आपको लेके बता देती हूँ, और गैस की फ्लेम थोड़ी फास्ट रखें, धीमे आंच पे इसे फ्राई ना करें। आपकी जैसे मैंने ऑयल में से निकाला ये थोड़ा भी ऑयल इसने पिया नहीं, एकदम हल्का सा भी नहीं पिया है, देख सकते हो पूरा ऐसा लगेगा इनका ऑयल ही है। जब हम पकौड़े बनाते हैं ऑयली ऑयली बन जाते, फिर ऑयल ज्यादा रहता तो पीने में खाने में मजा नहीं आती है। तो इस तरीके से पकौड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं हम सारे ही, अभी सारे पकौड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए। अभी इसे मैं कट करके बता देती हूँ, आप देख सकते हो ऊपर की जो परत कितनी करारी है, और प्याज का मैंने टेस्ट दिया है ऊपर का, इजीली कट हो रहा है एकदम इजीली, वाव यम्मी यम्मी, देख सकते हो मुंह में पानी आ गया ना, तो घर पे कब बना रहे हो। चलो फिर अभी सर्विसिंग प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं।
देखा ना दोस्तों, हमने कैसे बना दिया नए तरीके से ब्रेड पकोड़ा। रिजल्ट आपके सामने। यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस और मिर्च के साथ सर्व किया है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर की जो परत होती है, यहाँ पे हमने प्याज की, देख नया टेस्ट मैंने दिया हुआ है। ऐसे जब हम लोग प्याज के पकौड़े पर ब्रेड के पकौड़े जब बनाते हैं तो इसकी जो लेयर एकदम सिंपल वाली होती है। यहाँ पे थोड़ा एक नया ट्विस्ट है, मैं उम्मीद करूँ ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। रिजल्ट देख रहे हो, थोड़ा भी ऑयल नहीं है, एकदम नए तरीके से हमने बनाया। अभी बारिश भी धुआंधार आ रही है, तो बच्चों लोगों को और बड़े लोगों को भी बहुत ही पसंद आता है। बाहर तो नहीं जा सकते, तो क्यों ना अभी घर पे ही बनाए ब्रेड पकोड़ा, वो भी नए तरीके से, नए स्वाद के साथ। मैं उम्मीद करूँ ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो हाँ दोस्तों, चैनल पे आप हमारे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।